120,000 रुपीज एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जहां पर आपको स्मार्टफोन लेना हो तो काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऊपर से आजकल तो 5G स्मार्टफोन ही लॉन्च हो रहे हैं, तो यहां पर आपको सारे स्मार्टफोन के अंदर 5G देखने को मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैंने ना 5 स्मार्टफोन्स ऐसे निकाल कर रखे जो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, डिस्प्ले बहुत ही सही होने वाला है, कैमरा क्वालिटी भी आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइस, सबसे पहला जो स्मार्टफोन है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ Realme GT Neo 3T के बारे में। 20,000 रुपीज में आपको बहुत ही शानदार स्मार्टफोन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं गाइस, एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, स्नैपड्रैगन 870 यहाँ पर आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा एक चिपसेट है गाइस, ये फ्लैगशिप चिपसेट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इसके साथ देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पर गेमिंग आपकी बहुत ही अच्छे से होने वाली, हेवी टास्क वगैरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होने वाले। एंड यहाँ पर ना गाइस आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विथ 80W चार्जर। तो इसका डिस्प्ले यहाँ पर 6.62 इंच का एमोलेड E4 पैनल यूज किया है, जो की एक लेटेस्ट पैनल है, प्लस 120 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो वाकई में इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छा आपको इसके साथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो है OnePlus Nord CE3 Lite। ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पॉपुलर है, 20,000 रुपीज में आप इसे परचेस कर सकते हो और Amazon के ऊपर ये फोन अवेलेबल है। और साथ में अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच का यहाँ पर आपको फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है, जहां पर गाइस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। लेकिन ये एडप्टिव है, ये कई कई चीजों पे जो है ना वो 60 हर्ट्ज पे कन्वर्ट हो जाता है। YouTube, Instagram, WhatsApp जैसे एप्लीकेशन यहाँ पर 60 हर्ट्ज पे परफॉर्म करती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है इसका डिस्प्ले, लेकिन Instagram, WhatsApp जैसे एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज पे काम करती है और 60 हर्ट्ज YouTube पर चला जाता है। तो कुछ ये टाइप के थोड़े बहुत दिक्कत है ये फोन के अंदर। इस फोन को लेकर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली वो वीडियोस देखकर जो है वो डिसाइड कर पाओगे ये फोन क्या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। बाकी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, कैमरा के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ मैं। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देखने को मिलता है जो 4K सपोर्ट नहीं करता है। तो आप सारी चीजें आपको इसके बारे में ना मेरे डिटेल में वीडियो बनाए हुए तो इसके अंदर आपको पता चल जाएंगे। बाकी इन हैंड फीलिंग लुक वाइज काफी सही है, इन हैंड फीलिंग सही है, स्पीकर्स काफी सही है इस फोन के, कैमरा भी अच्छा मिलता है इसके अंदर आपको, सारी अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर आपको OnePlus का UI देखने को मिलता है इसके अंदर, जो काफी अच्छा, यहाँ पर ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलता है इसके अंदर। तो मतलब इसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है चैनल के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लो। बाकी नंबर 2 पे था हमारा OnePlus Nord CE3 Lite। अभी बढ़ते हैं थर्ड नंबर। IQ Z7 भी एक अच्छा ऑप्शन है गाइस, अंडर 20,000 रुपीज। इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Dimensity का चिपसेट, Dimensity 920 5G चिपसेट यहाँ पर आपको इसके साथ देखने को मिलता है, जहां पर आप हेवी टास्क आराम से कर पाओगे, गेमिंग वगैरह आपके आराम से हो जाने वाली है चिपसेट के साथ। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, 6.38 इंच का यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक्सपांडेबल स्टोरेज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप 1 TB तक यहाँ पर स्टोरेज को एक्सपांड कर पाओगे। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है जो OIS और EIS दोनों सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्टेबल वीडियोस देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर, और के वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आराम से हो जाएगी। यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो डेफिनेटली वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा ये स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। गेमिंग के लिए तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको गेम मोड वगैरह भी देखने को मिलता है, अल्ट्रा गेम मोड वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। स्मार्टफोन है हमारे पास मोटो की तरफ से, यहाँ पर मैं मोटो G72 के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अंदर आपको MediaTek Helio G99 चिपसेट देखने को मिलता है, 5000 mAh यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, और साथ में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है।
एंड यहाँ पर इसका हाईलाइट फीचर जो है ना वो इसका डिस्प्ले 6.6 इंच का ओलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है, HDR10+ सर्टिफाइड है इसका डिस्प्ले। इसके अंदर कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से आप कर सकते हो गाइस। 5000 mAh बैटरी जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर 33 वॉट चार्जर। एंड इसके अंदर एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको मिल जाएगा और ऊपर से 3 साल तक यहाँ पर आपको इसके साथ अपग्रेड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो या मोटो G72 भी एक अच्छा ऑप्शन। अगला जो स्मार्टफोन है नंबर 5 पे वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो A78। इसके अंदर भी आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वॉट चार्जर। साथ में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा इसके अंदर। एंड ये स्मार्टफोन आपको IPX4 के वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ देखने को मिलता है। MediaTek की तरफ से 5G चिपसेट आपको देखने को मिलता है इस फोन के अंदर जो कि 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह भी मिलता है इसके अंदर आपको। 6.5 इंच का यहाँ पर आपको LCD पैनल मिलेगा जहाँ पर आपको 90 हर्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको ना 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ओप्पो ने इस फोन के अंदर मेन हाईलाइट फीचर किया हुआ है बैटरी। बस बैटरी लाइफ आपको अच्छी चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 rupees। कौन सा भी फोन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, आपको लिंक वहां पर मिल जाएगी। वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।